आरपी टेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक। वैसे संडे है आज, सो मोस्टली जो ऑफिस में जॉब कर रहे होगे या फिर स्टूडेंट होगे, उन सभी को छुट्टी होगी। वैसे कैसी जा रही है छुट्टी आपकी? पर हमने तो अभी छुट्टी नहीं लिए, क्योंकि आप सभी के लिए खबरें जो लेकर आनी है, तो आज भी हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हमेशा की तरह एकदम कमाल की ताजा खबरें। जी, आपको सुनने में जरूर से मजा आएगा। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले, आप हमारे चैनल पर पहली ही बार आए हो, फिर जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को बजाइए, क्योंकि हम इसी तरीके से रोजाना आपके लिए वीडियोस जो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए आज की भी टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं दोस्तों सैमसंग से। फिर सैमसंग की अपकमिंग सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज, जिसके लिए काफी सारे लोग रुके हुए, क्योंकि इस बार की जो S25 सीरीज आएगी, जिसमें हमें काफी सारे मेजर चेंजेस देखने को मिलने वाले। जी हाँ, जहाँ पर अभी फिलहाल सैमसंग जो मिड रेंज के स्मार्टफोन्स आते हैं, जिसमें 45 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देने लगा है, तो अब यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज में हमें 65 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है, एंड 45 वाट का वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट। अब देखते हैं वैसे दोस्तों क्या होता है, ये तो S25 सीरीज के लॉन्चिंग पे पता चल सकता है। वैसे आप क्या एक्साइटेड हो S25 सीरीज को लेकर, क्या सोचे कमेंट में बताइए। सोनी की बात करें दोस्तों, सोनी काफी टाइम के बाद हमारी खबरों में आया हुआ है। जब पर भी सोनी के जो ब्राविया सीरीज के जो मॉडल्स होते हैं, जिसके नाम काफी कबार याद रखना मुश्किल सा हो जाता है, लाइक एग्जांपल की बात करें तो भाई X95L हो गया, A95L हो गया, अब इसे और भी सिंप्लीफाई करने वाला है सोनी, ऐसा कहा जा रहा है। एक टीजर उन्होंने रिवील किया है, जहां पर बताया जा रहा है कि सोनी ब्राविया 7, सोनी ब्राविया 8, सोनी ब्राविया 9, इस तरीके के कुछ नाम देखने को मिलने वाले। जहां पर सोनी ब्राविया 7 की बात करें, तो ये पूरी तरीके से मिनी LED टीवी लाइनअप होने वाली है। जी हाँ, सोनी ब्राविया 8 की अगर बात करें, तो ये OLED टीवीज रहने वाले, एंड सोनी ब्राविया 9 की अगर बात करें, तो ये फ्लैगशिप मिनी LED टीवी रहने वाले, या कुछ इस तरीके से नाम रखने वाला है सोनी। वैसे ये काफी अच्छी बात है। अब देखते हुए सोनी की ये जो नई ब्राविया सीरीज की लाइनअप है, हमें कितनी ही जल्दी भारत में देखने को मिल जाती है। Realme की बात करें दोस्तों, Realme कल अपनी काफी सारी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाला है भारत में। अगर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, तो फिर Realme का एक नया पैड आ रहा है, पैड 2, जो कि वाईफाई वेरिएंट के साथ आएगा। Realme की नई P1 सीरीज भी आ रही है, और Realme के हाल ही में चाइना में लॉन्च किए गए नए बड्स, जो कि T110 होने वाले, जिसकी प्राइस चाइना में कुछ 129 चीनी युआन रखी थी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इंडियन करेंसी के हिसाब से 1500-1600 रुपीज के आसपास हो जाता है। वैसे Realme P1 सीरीज एक्सपेक्ट किया जा रहा है अंडर 20,000 रुपीज में देखने को मिलेगी। वैसे देखते दोस्तों Realme इन सभी प्रोडक्ट्स की क्या प्राइस सेट करता है भारत के लिए, और आप इनमें से कौन सी प्रोडक्ट को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट में जरूर से बताइए। एप्पल की बात करें दोस्तों, एप्पल आईफोन 16 प्रो मॉडल्स में क्या कुछ नया हमें देखने को मिलने वाला है, मेजर चेंजेस क्या हो गए अगर कंपेयर करें एप्पल आईफोन 15 प्रो मॉडल से, तो मैं इसकी डिटेल्स लेकर आ चुके हैं। जहां पर एप्पल आईफोन 16 प्रो स्मार्टफोन होगा, जिसमें हमें 6.3 इंच की OLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। हालांकि जो 15 प्रो स्मार्टफोन था, जिसमें हमें 6.1 इंच की डिस्प्ले देखने को मिली थी। अगर बैटरी की बात करें दोस्तों, 3355 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, 15 प्रो से थोड़ी ज्यादा ही है। वैसे 48 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलने वाला है 5x टेलीफोटो जूम लेंस के साथ। जी हाँ, वाईफाई 7 का सपोर्ट भी मिल जाएगा, कैप्चर बटन मिलने वाला है, जिससे आप फोटोज वीडियोस को कैप्चर कर पाओगे। और अगर बात करें दोस्तों आईफोन 16 प्रो मैक्स स्मार्टफोन की, जिसमें हमें 6.9 इंच की बड़ी सी डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, अगर कंपेयर करें 15 प्रो मैक्स से, तो उसमें 6.1 इंच की डिस्प्ले मिली थी। अब यहाँ पर ये भी अगेन OLED डिस्प्ले होने वाली है। जी हाँ, वाईफाई 7 का सपोर्ट होगा, कैप्चर बटन इस पे भी मिलने वाला है, जिससे आप फोटोज वीडियोस को कैप्चर कर पाओगे। 48 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिल जाएगा, 4676 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, जो कि 15 प्रो मैक्स से ज्यादा ही है। वैसे देखते हैं दोस्तों आईफोन 16 सीरीज हमें कितनी ही जल्दी देखने को मिल जाती है। गूगल की बात करें दोस्तों, गूगल पिक्सल 8a ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी दस्तक देने वाला है। जी हाँ, ये स्मार्टफोन IO 2024 इवेंट जो होने वाला है मई में, कहा जा रहा है तभी इसे लॉन्च किया जाएगा, यानी कि नेक्स्ट मंथ ही लॉन्च होने वाला है। वैसे इस स्मार्टफोन के अगर एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, तो 6.1 इंच की हमें OLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, टेंसर G3 चिपसेट की ताकत देखने को मिल जाएगी, 64+13 MP का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप होगा, हालांकि 13 MP का हमें फ्रंट सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है, एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। वैसे
4500 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है। अब देखते हैं कि भी गूगल की ओर से ये जो स्मार्टफोन जिसे कितनी जल्दी भारत में लॉन्च किया जाता है। एप्पल की ओर से एक और खबर आ रही है दोस्तों, और ये काफी अच्छी खबर है जो कि हमारे भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। जहां पर दोस्तों एप्पल अपना जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन अभी फिलहाल चल रहा है चाइना में, जिसे पूरी तरीके से शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है भारत में। जी हाँ, और इससे क्या बेनिफिट होने वाला है पता है दोस्तों? एप्पल के जितने भी अभी फिलहाल वर्कर्स होंगे या फिर जो नए रिक्रूटमेंट किया जाएगा, उन सभी वर्कर को एप्पल खुद से ही घर देगा। जहां पर हम सभी को पता है कि भाई चाइना में आईफोन सिटी है जहां पर उनके एम्प्लॉयज रहते हैं, जो वर्कर्स है वो। अब यहां पर भी कहा जा रहा है एप्पल 78,000 घर को बनाएगा जहां पर एप्पल के जो वर्कर्स है वो रह गए। वाकई काफी अच्छी बात है, काफी बढ़िया प्लान है एप्पल का। वैसे आपकी क्या सोच है इसके बारे में कमेंट में जरूर से बताइए। मोटोरोला की बात करें दोस्तों, मोटोरोला एज 40 ये स्मार्टफोन में अगर आप अपडेट का इंतजार कर रहे थे, वे फाइनली अपडेट को रोल आउट करना शुरू कर दिया गया इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, कुछ 1.49 GB की ये बड़ी सी अपडेट है, जहां पर जो बग्स वगैरह थे जिसे फिक्स कर दिया गया, बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए, नए नए फीचर्स भी देखने को मिल जा रहे हैं। तो वैसे दोस्तों, अगर आपके पास भी ये स्मार्टफोन अवेलेबल है और अगर आप भी अपडेट का इंतजार कर रहे थे, तो जल्दी से सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए और आपको जो नए फीचर्स देखने को मिल जा रहे हैं आप उसका बेनिफिट लीजिए। iQOO की बात करें दोस्तों, iQOO Neo 9S Pro, जिसके बारे में हमने आपको कल ही बताया कि भाई ये स्मार्टफोन 3C पर आ चुका है, जहां से पता लग रहा है कि भाई स्मार्टफोन में 120W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। वैसे दोस्तों, यही स्मार्टफोन की कोई लीक्स जो कि वाइबो पे में देखने को मिल जा रही है, जहां से पता लग रहा है कि भाई ये जो स्मार्टफोन आएगा जिसमें हमें Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट देखने को मिलेगी, यानी कि अगेन iQOO का ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन आ रहा है। जी हाँ, वैसे काफी अच्छी बात है। अब देखते भाई ये स्मार्टफोन में कितनी ही जल्दी भारत में देखने को मिल जाता है। काम के दिल की बात करें दोस्तों, अगर आपको चाहिए पावर बैंक, वो भी कम कीमत में, वो भी अच्छी ब्रांड की, तो ये जो डील है ना वो आपके लिए डेफिनेटली काम की होने वाली है दोस्तों। पोर्टोनिक्स के और से वाली पोर्टोनिक्स पावर बैंक अभी फिलहाल आपको काफी कम कीमत में अमेजोन पर देखने को मिल जा रही है। और यही पावर बैंक के कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों, 45W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आने वाली ये जो पावर बैंक है, जिसमें हमें 20,000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि मोस्टली आपके हर एक डिवाइसेस के लिए कंफर्टेबल रहने वाली है पावर बैंक। वैसे ये जो पावर बैंक है जिसमें आपको ट्रिपल आउटपुट पोर्ट देखने को मिलने वाले है, मल्टी लेयर प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा, जिससे आपकी डिवाइस की जो ड्यूरेबिलिटी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों, 1 साल की वारंटी भी देखने को मिलने वाली है। और क्या चाहिए? और यही पावर बैंक की अगर कीमत की बात करें तो ये अभी आपको अमेजोन पर देखने को मिल जाएगा सिर्फ 2,269 रुपए में। वैसे काफी बेहतरीन डील है, अगर आपको चाहिए तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो, उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करें दोस्तों, गोस्ट रनर ये जो टाइटल है वो काफी बेहतरीन है, 2020 में आई हुई ये गेम है। वैसे दोस्तों, ये गेम अभी फिलहाल आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जा रही है एपिक गेम स्टोर पर, जहां पर ये ऑफर 18 अप्रैल तक चलने वाली है। आपको कोई भी पैसा नहीं देना, सिर्फ आपको एपिक गेम स्टोर पर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे आप अकाउंट क्रिएट करोगे, वहां से आप ये गेम को परचेस कर सकते हो, एक पैसा भी नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में गेम डाउनलोड हो जाएगी। वैसे इसके बाद आप ये गेम को कभी भी खेल सकते हो, पर ये ऑफर सिर्फ पीसी यूजर के लिए। जी हाँ दोस्तों, वैसे ये जो गेम है वो एक एडवेंचर फाइटिंग गेम है, अगर आपको भी इस टाइप की गेम खेलने का मजा आता है तो ये गेम आपके लिए काफी बेहतरीन रहने वाली है। वैसे आपकी सबसे पसंदीदा एक्शन गेम कौन सी है, चाहे स्मार्टफोन पे, चाहे कंसोल पे, चाहे पीसी पे, जो भी गेम आपको पसंद कमेंट में जरूर से बताइए। तो बस आज की टेक न्यूज यहाँ पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर आप जरूर से नए होगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्माइलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।